नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी का तो मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो मैंने अगला वीडियो पे आप लोग को बाइसल लेवल दिखा दिया, लेकिन मेरा जो एक्चुअली मेरा जो वीडियो का टाइमिंग है वो लिमिटेड टाइम पीरियड है, वो ख़त्म हो गया, तो इसीलिए और भी एक वीडियो बनाता हूँ और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बात बोलना है, तो इसीलिए मैंने फिर से और एक वीडियो आप लोग को बनाता हूँ। तो देखिए, इधर जो मैंने रिसेंट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाया कुछ, इधर जो हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन हुआ वो भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा, कुछ फॉर्मेशन होगा तो आप लोग को दिख जाएगा। इधर देखिए, माइन ट्री का हुआ है, डोजी अप ट्रेंड डोजी डाउन ट्रेंड में कुछ फॉर्मेशन नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है। इधर झील का एक डोजी डाउन ट्रेंड में दिखा रहा है, आप लोग चार्ट पे भी आप लोग खुद चेक कर सकते हैं वो कैंडल स्टिक फॉर्मेशन हुआ कि नहीं है। वो है मैंने इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोग को दिखा दिया। यह देखिए, स्कॉट्स में पॉजिटिव हैमर बना है, स्कॉट्स में एक बार देख लेता है, स्कॉट्स में कुछ भी आप लोग चेक कीजिए, आप लोग को ये कैंडल फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप लोग जो लोग कैंडल स्टिक जानता है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए, पॉजिटिव हैमर जैसा कैंडल इस स्कॉट्स में बना है, और इधर हम लोग को इधर जो डोजी वाला कैंडल एक दिखाता है झील को, इधर डोजी डाउन इन द डाउन ट्रेंड, तो इधर कौन सा है झील में दिखाना है तो एक को मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। ये सब कैलकुलेशन करके रखा हूँ, और इधर आप जो स्केल एक्सेल में जो ये देखिए डोजी टाइप का कैंडल बना है, एक्सेल में जो आप लोग को दिखेगा कैलकुलेशन आप लोग मैंने करके रखा हूँ, तो आप लोग को मतलब एकदम परफेक्ट तो सभी समय नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये देखिए इन्वर्टेड हैमर जो है, इन्वर्टेड हैमर वाला कैंडल भी आप लोग को इधर से दिख जाएगा। बजाज ऑटो में ये बना है, देखते हैं इन्वर्टेड हैमर आप लोग भी समझ सकते हैं, जो लोग कैंडल स्टिक पैटर्न समझता है तो वो लोग को तो समझ लेना चाहिए। बजाज ऑटो हाँ, इधर बजाज ऑटो है, इधर देखिए इन्वर्टेड हैमर पूरा इन्वर्टेड, इसका टेल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। तो इधर देखते हैं और भी बजाज फिनांस इसका देखते हैं, बस इसका वो फीचर्स में भी चलेगा। इधर थोड़ा सा लंबा बुलिश कैंडल बना है, ऐसा कुछ नहीं है, और इधर और भी देखते हैं डीवी स्लैब इधर से देखना पड़ेगा, शायद इधर है, इधर है, एकदम परफेक्ट नहीं आने से, देखिए इधर परफेक्ट आ रहा है, इधर से डिवी स्लैब बन चुका है, ये सब आप लोग देख सकते हैं, और कैंडल स्टिक का बनते ही आप लोग देख सकते हैं, और इसका जो है और भी आप लोग देख सकते हैं। इनको मैंने तो पूरा इतना सारा कैंडल स्टिक आप लोग को पूरा दिख नहीं दिखा पाऊँगा, तो इसीलिए आप लोग को भी कुछ चेक कर सकता है। ये जो मैंने दिखाता हूँ इधर आप लोग को स्टॉक्स दिख जाता है, ये सब आप लोग चेक कर सकता है, बुलिश रिवर्सल बेयरिश रिवर्सल, ये जो जितना सारा कैंडल स्टिक है ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट हेड एंड शोल्डर सभी समय नहीं बनता है, और बुलिश अबंडेंट मतलब गैप डाउन और गैप अप बियरिश अबंडेंट गैप डाउन, इधर भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कुछ चेक कर सकते हैं। मैंने स्टॉक्स आप लोग को दिख जाता है, इधर से हैवेल्स में बना है, इधर एलटी में वाला है गैप डाउन, आप लोग चेक कर लीजिए जरा, आप लोग को दिख जाएगा। मैंने इतना सारा दिखाऊंगा तो मेरा वीडियो का लिमिटेड टाइम है, वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने वो इधर देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न और ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है, उधर भी आप लोग को दिख जाएगा, और इधर देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने जब दिखाया था इधर कुछ फॉर्मेशन हुआ था वो भी आप लोग को दिखा दूंगा। इधर देखिए इधर बुलिश रिवर्सल का पैटर्न बना है, आप लोग भी कुछ चेक कर सकता है। तो और इसके बाद मैंने फिबोनाची का लेवल 7 डेज 5 डेज 3 डेज 2 डेज 1 डेज का हिसाब से फिबोनाची का लेवल मैंने इधर बना के रखा हूँ, तो इसका ही मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। तो फिबोनाची लगा 7 डेज 5 डेज 3 डेज 2 डेज 1 डेज का हिसाब से बना के रखा हूँ, और उसके बाद और भी हायर लेवल 15 डेज 30 डेज
15 डेज 30 डेज और 1 ईयर का हिसाब से भी मैंने बना के रखा हूँ। तो इसको क्यों बना के रखा हूँ आप लोग को बोलता हूँ, इस वही बात बोलने के लिए मैंने फिर से और एक वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए देखिए कुछ भी स्ट्रैटेजी आप लोग स्टॉक्स चुन लीजिए इधर से, कुछ भी स्ट्रैटेजी का स्टॉक्स चुन लिए, 100 EMA का स्टॉक चुन सकता है, NR4 NR7 स्टॉक चुन सकता है, कुछ भी पॉजिटिव हमार कुछ भी चुन सकता है। उसका आप लोग 7 डेज या 5 डेज का हिसाब हर एक मतलब एटलीस्ट 7 डेज का हिसाब से देखेंगे, 7 डेज का हिसाब से शुरू करेंगे तो 1 डे तक तो आप लोग कंपेयर कर लीजिए बायर बाई लेवल और सेल लेवल, जिसमें आप लोग को लेवल आएगा ना तो इधर आप लोग को कैंडल स्टिक का जो हिसाब से जो रूल्स है ट्रेड करने का उससे ज़्यादा ये प्रॉफिट मतलब आप लोग को फायदेमंद होगा। तो सोच लीजिए इधर अपलो टाइम 7 डेज का हिसाब से फिबोनाची का बाई ले 7 डेज का बाई का एंट्री लेवल इधर है और इधर बाई का एंट्री लेवल है। तो इधर 7 डेज आप लोग बाई का एंट्री लेवल देख लिया और सेल का एंट्री लेवल भी आप लोग देख लीजिए देख लिया, उसके बाद 5 डेज का भी आप लोग उसके साथ 5 डेज का कंपेयर करना पड़ेगा आप लोग को। इधर मैंने इधर कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को दिखा दिया, वो आप लोग को गैप अप गैप डाउन वो भी आप लोग 5 डेज का हिसाब से ये दिखा रहा है, फिर 5 डेज का हिसाब से ऑलमोस्ट एक ही दिखा रहा है और इधर 3 डेज का हिसाब से ये इधर बाई का एंट्री लेवल इतना है सर, सेल का एंट्री लेवल इतना दिखा रहा है और इधर 2 डेज का हिसाब से देखना पड़ेगा। इधर आप लोग को 2 डेज का 3 डेज 7 2 डेज का देख लीजिए, उसके बाद आप लोग शॉर्टिंग करके लाइव मार्केट में देख लीजिएगा और उसका इंतजार कीजिए। 1 डे ये जो ब्रेक करेगा ये लेवल जो 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 लेवल पहले आएगा ये इसको आप लोग देखिए इधर, और जो लेवल पहले आएगा ये जो छोटा स्टॉक्स है इसलिए इसका डिफरेंस कम आ रहा है, तो इसीलिए इसके बाद आप लोग 15 डे और भी हायर लेवल आप लोग देख सकता है। इधर 15 डेज का हिसाब से इधर बाई का एंट्री लेवल ऐसा है और सेल का एंट्री लेवल ऐसा है और 30 डेज का आप लोग जानते ही है बहुत ही सारा स्टॉक 30 डेज का हाई लो ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता है, 1 डे 1 ईयर का ब्रेकआउट होता है, 15 डेज का ब्रेकआउट होता है। तो इसीलिए आप लोग जब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक जब कंपेयर करके एक लेवल जो लेवल फर्स्ट आएगा सोच लीजिए इधर 159 मैंने थोड़ा सा एक बड़ा स्टॉक्स दिखाने से इसका डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा, तो उसके समझने के लिए आप लोग को जब जो आएगा तो इसका आप लोग जब नोट करेंगे तो इसका आप लोग को मतलब ट्रेडिंग बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, मतलब बड़ा प्रॉफिट भी आएगा और एंट्री भी एकदम सही रहेगा। और बाइस आप लोग बाइसेल लेवल का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन या बाइसेल लेवल आप लोग तो जरूर यूज़ कर सकता है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का जो रूल्स है वो तो आप लोग यूज़ कर सकता ही है, लेकिन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जिस जिसमें कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है उसका आप लोग शॉर्टिंग कीजिए, उस स्टॉक्स को आप लोग चुन लीजिए। उसके बाद उसका तो जो लेवल्स है भाई किसी का 1 डे का बाई लो हाई लो एंट्री ब्रेकआउट होना पड़ेगा, किसी का करेंट हाई लो एंट्री ब्रेकआउट होना पड़ेगा वो तो है ही, लेकिन आप लोग ये लेवल जब यूज़ करेंगे आप लोग का एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी और भी बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा आएगा। तो ये देखिए 7 डेज का हिसाब से ये 592 है और बाई लेवल 592 और सेल लेवल 570 दिखा रहा है ACL टेक का। इधर आप लोग को उसके बाद 5 डेज का हिसाब से आप लोग देखेंगे इधर देखिए 591 और 574 इधर बाई लेवल और सेल लेवल दिखा रहा है। इसके बाद 3 डेज का हिसाब से 591 और 580 इसका सेल लेवल दिखा रहा है और 2 डेज का हिसाब से ये 591 और 580 इसका सेल बाई और सेल लेवल दिखा रहा है। 1 डेज का हिसाब से 591 बाई का एंट्री लेवल दिखा रहा है और सेल का एंट्री लेवल दिखा रहा है लीजिए बाई 580। तो इसका हिसाब से आप लोग जब करेंगे और जो एंट्री आप लोग को जो एंट्री पॉइंट आप लोग को पहले मतलब मिलेगा तो आप लोग मतलब एकदम निश्चिंत होकर आप लोग एंट्री लीजिए और आप लोग देखिए कैसे रिजल्ट मिलता है। आप लोग पहले ऑब्जर्व कर लीजिए एक दिन दो दिन तीन दिन जिसके मैंने आप लोग किसी भी दिन आप लोग देख सकता है, उसके बाद आप लोग इधर समझ जाएंगे कि इधर कैसे इधर देखिए 1 डे का हिसाब से 597 और 495 इसका सॉरी ये 1 ईयर का हिसाब से हो जा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कुछ जो स्टॉक्स 52 हाई 52 लो का अंदर है बहुत सारा स्टॉक्स वो आप लोग लेकिन 7 डेज टू 1 डेज आप लोग कंपेयर कर लीजिए
एक कुछ स्टॉक सुन लीजिए इधर से, ये स्क्रीनिंग करके मतलब कुछ स्टॉक सुन लीजिए, उसके बाद फिबोनाची लेवल को 7 डेज को 1 डेज